सुनकर जिनवानी अब करो आत्मा उद्धार चौमासो आयो रे महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा। 12 घंटे से जुड़ा नवकार मंत्र जाप एवं सामूहिक आयंबिल के साथ चातुर्मासिक आराधना का आगाज। चातुर्मासिक पक्षी पर रूप रजत विहार में नियमित प्रवचन शुरू। भीलवाड़ा 2 जुलाई शहर के चंद्रशेखर आजाद नगर स्थित स्थानक रूप रजत विहार में श्री अरिहंत विकास समिति के तत्वावधान में पहले चातुर्मास का विधिवत आगाज रविवार को चातुर्मासिक पक्षी से हो गया। मृद्रा मणि महासाध्वी श्रीजनम तिजी मसा की सुशिष्या मृद्रा ज्योति महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा, आगम मर्मज्ञ डॉक्टर श्री चेतना जी मसा, मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा, तत्वचिंतिका डॉक्टर समीक्षा प्रभाजी मसा, आदर्श सेवाभावी दीप्ति प्रभाजी मसा एवं नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी मसा आदि थाना 6 के सानिध्य में चातुर्मासिक पक्षी पर धर्म आराधना करते हुए श्रावक श्राविकाओं को आत्म कल्याण के लिए तप त्याग करने का संदेश दिया गया। चातुर्मास शुभारंभ के अवसर पर श्री पूज्य महासाध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने कहा कि चातुर्मासिक पक्षी पर प्रतिक्रमण करते ही साधु साध्वी आगामी 5 माह के लिए एक जगह स्थिर हो जाएंगे। चातुर्मास जब तप त्याग करने का समय है, जिससे जैसा भी हो आत्मशुद्धि के लिए तप त्याग करना चाहिए। उन्होंने सुनकर जिनवानी अब करो आत्मा उद्धार चौमासो आयो रे गीत के माध्यम से नियमित प्रवचन सुनने का संदेश दिया। धर्म सभा में आगम मर्मज्ञ डॉक्टर चेतनाजी मसा ने कहा कि चातुर्मास का अर्थ ज्यादा से ज्यादा छोड़ना यानी तप त्याग करना है। चातुर्मास में तप की गंगा बहानी है। इंद्रियों व मन वचन व काया को वश में करने का समय चातुर्मास है। प्रभु जी के नाम की माला रोज फेरनी है। चेतनाजी मसा ने सभी को चातुर्मासिक पक्षी के अवसर पर रात्रि भोजन नहीं करने के प्रत्याख्यान भी कराए। उन्होंने चातुर्मासिक आराधना की प्रेरणा देने वाला गीत चातुर्मासिक चतुर्दशी देखो आई आज है प्रस्तुत किया। मधुर व्याख्यानी डॉक्टर दर्शन प्रभाजी मसा ने कहा कि हमारे लिए जितना महत्व संवत्सरी का है उतना ही महत्व चातुर्मासिक पक्षी का भी है। उन्होंने नियमित प्रवचन सुनने की प्रेरणा देते हुए कहा कि 100 किताबें पढ़ने से जितना ज्ञान नहीं मिलेगा उससे अधिक ज्ञान 1 घंटे नियमित प्रवचन श्रवण करने से मिलेगा। चातुर्मास आत्म कल्याण आत्मशुद्धि के साथ आत्मा को निर्मल बनाने का अनुपम अवसर है। तत्वचिंतिका समीक्षा प्रभाजी मसा ने कहा कि चातुर्मास आत्मचिंतन का अवसर देता है और अपने जीवन में बुराइयों व कषायों का त्याग कर पुण्यर्जन करने का अवसर मिलता है। उन्होंने कहा कि हमारे लिए चातुर्मास की सार्थकता तभी होगी जब हम 5 माह के इस चातुर्मास से जुड़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएंगे एवं तप त्याग अधिक से अधिक करने की भावना रखेंगे। धर्म सभा में नवदीक्षिता हिरल प्रभाजी मसा ने भी गीत प्रस्तुत किया। धर्मसभा में प्रवचन के आधार पर 5 प्रश्न भी पूछे गए और सही जवाब देने वाले श्रावक श्राविकाओं को प्रोत्साहन पुरस्कार श्री सिंह द्वारा प्रदान किया गया। धर्मसभा का संचालन श्री सिंह के मंत्री सुरेंद्र चौरड़िया ने किया। चातुर्मासिक प्रवचन के तहत 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा पर जीवन में गुरु के महत्व पर चर्चा होगी। नियमित प्रवचन प्रतिदिन सुबह 8:45 बजे से 10 बजे तक होगा। सामूहिक आयंबिल तप की आराधना। चातुर्मासिक पक्षी पर सामूहिक आयंबिल की आराधना की गई। बड़ी संख्या में श्रावक श्राविकाओं ने सामूहिक आयंबिल किया। आयंबिल से जुड़ी व्यवस्था श्री सिंह द्वारा की गई थी। साध्वी इंदु प्रभाजी मसा ने कहा कि रूप रजत विहार में पहली बार कोई चातुर्मास होने से शुरू में लग रहा था अधिक आयंबिल नहीं हो पाएंगे, लेकिन श्री सिंह के साथ श्रावक श्राविकाओं ने जो भक्ति व माहौल बनाया उससे बहुत अच्छी तरह से आयंबिल आराधना सम्पन्न हो रही है। पहले दिन 12 घंटे से जुड़ा नवकार महामंत्र की आराधना। श्री सिंह के अध्यक्ष राजेंद्र सुकलेचा ने बताया कि अरिहंत विकास समिति के तत्वावधान में चातुर्मास का आगाज रूप रजत विहार में 12 घंटे के सजोड़ा नवकार महामंत्र से हुआ। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक सजोड़ा नवकार महामंत्र जाप का आयोजन हुआ। इसमें शामिल होने वाले प्रत्येक जोड़े ने न्यूनतम 1 घंटे नवकार महामंत्र का जाप किया। अधिकाधिक श्रावक श्राविकाएं सजोड़ा नवकार महामंत्र जाप में शामिल हो इसके लिए साध्वी वृंद ने भी प्रेरणा प्रदान की थी। इसके चलते भीलवाड़ा शहर के विभिन्न क्षेत्रों से श्रद्धालुओं ने जाप में शामिल होकर पंचपरमेष्ठी देव की आराधना की। सजोड़ा नवकार मंत्र जाप आयोजन को सफल बनाने में अरिहंत युवक मंडल के अध्यक्ष प्रवीण गोखरू एवं मंत्री गौरव तातिर ने भी सक्रिय भूमिका निभाए। प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना एवं दोपहर में धार्मिक चर्चा। चातुर्मास काल में रूप रजत विहार में प्रतिदिन दोपहर 2 से 3 बजे तक नवकार महामंत्र का जाप होगा। चातुर्मास में प्रतिदिन सूर्योदय के समय प्रार्थना होगी। दोपहर 3 से 4 बजे तक साध्वी वृंद के सानिध्य में धार्मिक चर्चा होगी। प्रत्येक रविवार प्रातः 8 से 8:30 बजे तक युवाओं के साथ धम्म चर्चा होगी। चातुर्मास में प्रत्येक मंगलवार सुबह 8:30 से 9 बजे तक घंटाकर्ण महावीर स्रोत जाप का आयोजन होगा।
प्रत्येक रविवार को दोपहर 1 से 2 बजे तक बाल संस्कार कक्षा एवं दोपहर 3 से 3:40 बजे तक प्रश्न मंच का आयोजन होगा।